अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद की खैर मुबारक मेरा बच्चा, अल्लाह देखो क्यों कावड़े खड़े हैं। वालेकुम मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक दोस्त। खैर मुबारक, कैसे जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खैरियत से? तो ये सब ठीक है भाई। ईद मुबारक आपको, आप देखने वालों को भी, सबको ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ जी। माशाल्लाह से आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था, वरना मैं आप सब दोस्तों को कल ईद की मुबारकें दे देता। तो मेरी तरफ़ से जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको और जो आउट ऑफ कंट्री में हैं उनको, देसियों को, परदेसियों को, सारों को दिल की अथाह गहराइयों से मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबकी खुशियां सलामत रखे और अल्लाह पाक हर बहन बेटी का अच्छा नसीब बनाए, आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज हम जा रहे हैं जी अपनी नानों के घर, अपनी छोटी बहन के घर और बाबा के नानों के घर। तो नानों के घर जाकर अपनी छोटी बहन को उसकी ईदी देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सराय की व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो अब सब दोस्तों को बर वक्त मिल सके। और यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का तो पूछे ही ना। देखें सूरज किधर गया जी, ये खड़ा है जी सूरज, बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। शुक्र अल्लाह पाक ने हमें गाड़ी दे दी है, वरना जो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो इतनी गर्मी में बाइक पर कहीं भी नहीं जा सकता बंदा, बहुत गर्मी है। और आप सब दोस्त कह रहे होंगे कि इसने ग्लासेस लगाए हुए हैं शायद डैशन लगाने के लिए। यार डैशन लगाने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे सामने सर के ऊपर सूरज खड़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तेज़ है, तो इसीलिए ये मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। वैसे लुक मेरी प्यारी है कुछ, इस वजह से भी मैंने पहनी हुई है ग्लासेस। और अभी तक हमारे जो दो नारे ना बचे हुए हैं, लेकिन एक तीसरा हो रहा है माशाल्लाह से, ये चेक करें जी, ज़बरदस्त। और ये जी ये जुड़वा अनार हैं, पता नहीं ये देखें, मेरे ख्याल से ये यहाँ से ना एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये अनार अभी बचे हुए हैं, अभी तक इन अनारों को नहीं खाया। देखो आजकल मैं बाबा की नज़र इनके ऊपर नहीं पड़ी, वरना जो बड़ा अनार है इसको तोड़ेंगे तो जो साथ वाला दूसरा ना वो भी डेड हो जाएगा दूसरे की वजह से। पहला बड़ा अनार जो है ना वो बचा हुआ है, देखे ना एक बड़ा है और एक छोटा है, तो जो छोटा अनार है उसकी वजह से बड़ा अनार बचा हुआ है। और अभी तक हमारी खजूरें भी तैयार नहीं हुई, इनको मैक्सिमम एक मंथ तो लग ही जाएगा, एक मंथ ना भी लगे 15-20 दिन तो कहीं भी नहीं गए। तो अम्मी को बुलाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं और चलते हैं जी अपनी छोटी बहन को उसकी ईदी देने के लिए। चेक करें जी कार के ऊपर थोड़ी बहुत धूल मट्टी है, क्योंकि बारिश आई थी परसों रात को, जिसकी वजह से उसके ऊपर मट्टी है, तो कार को साफ कर लेते हैं। देखें जी कपड़ा लगा लेते हैं, अम्मी और भी अभी आ जाते हैं और फिर चलते हैं जी अपनी नानों के घर। गर्मी यार बहुत ज़्यादा, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे लगता है कि जैसे जान निकलती हमारी गर्मी की वजह से। अल्लाह खैर करे जी, पता नहीं इस गर्मी ने क्या करना है हमारे साथ, सारा दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा और धूप कितनी तेज़ होगी। ओए होए, सुबह सुबह ये आलम है गर्मी का कि पसीने आ रहे हैं मुझे, काम भी कुछ नहीं किया, बस अभी नहा के आया हूँ, सेल्फी हाथ में पकड़ी है और वीडियो बनाने लग गए हैं। और एक बात जो मैंने आप सब दोस्तों से पूछनी है, आप सब दोस्त मुझे ये चीज़ लाजमी बताएं कि फ़र्स्ट टाइम मैं ये सेल्फी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए। वैसे मैं ये यूज़ नहीं करता था, मैं हाथ से व्लॉग बनाता था, मतलब मोबाइल को हाथ से पकड़ता था। तो मुझे ये फील हुआ है कि मुझे ना सेल्फी स्टिक यूज़ करनी चाहिए, तो इसे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आप सब दोस्त लाजमी बताएँ कि ये कैसी है, मुझे ये यूज़ करनी चाहिए या नहीं। और मोबाइल की घंटी बज रही है। ओ अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छा चलो ठीक है। मैं हमने जाना था नानों के घर और मेरे नाना अबू हमारे घर ही आ गए, तो मैंने कहा थोड़ी देर तक फिर चलते हैं नाना अबू को मिल लें, फिर जाएंगे अपनी छोटी बहन को उसकी ईदी देने के लिए नानो जान के घर। मैं आ गया हूँ जी दूसरे घर, यहाँ पर नाना अबू आए बैठे हैं, उनको मिलते हैं जी। गर्मी बहुत ज़्यादा यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है भाई, खैर मुबारक आपको ईद मुबारक। ये ठीक है नाना अबू, तभी ऐसे ठीक है थोड़ी, माशाल्लाह सलामत रहो।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक असा तैयारी की थी खड़ा थारू आवन दे जी हां तुसा सारे कने आ गए आ गए बस मैं रुक बाकी दा आ गया बस मैं कुटी जी लो इकट्ठे जुलदे हैं वल गड्डी ते हां गर्मी बहुत ज्यादा के दे आए तुसा मैं ना सवेर जाना को भी चाहिए कौन तेरा साहब मां अच्छा अच्छा दुकान दे आ गए जी दुकान उड़ो मार दुकान तो बड़ा पता आ गया अच्छा अच्छा चलो मां अच्छा घर में बैठ कर और फिर चलते हैं नानो के घर और मेरे शहजादे के काम चेक करें सो गया या नहीं हाँ ये शहजादा सो गया दूध पी रहा था दूध भी इसने हाफ नहीं पिया दूध भी इसने पूरा नहीं पिया इतना खड़ा है थोड़ा सा पिया दूध मेरे बेटे को पहले नींद आ गई है शूज भी पहने हुए ये भी तैयार था नानो घर जाने के लिए सोना बाबा नाना वो खजूर जा कर हैं क्या नाना बा क्या जी जिन्ना सर जी आप रहा याने ये जिन्ना तो मकान है ना पहले हाँ उन्हें खुद रहा ये सब पता गई नशा लग रही लेकिन खजूर अच्छी है अच्छा जी हाँ जी हाँ हॉकी में लग दी देखने का ना है चंगे लग दी बचाने जी चंगे लग दी ना अच्छी है जबरदस्त है माशाल्लाह अगर जी जी पिछले चक्कर दिखा दिया से अच्छा जी है जी हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है ज़बरदस्त है बेटा बाबा भी आ गया है गाड़ी की चाबी पड़ी है रूम में चाबी उठाते हैं स्टार्ट करते हैं जी और फिर चलते हैं बाहर तो जी फाइनली हम आ गए हैं नानी अम्मा के घर के पास अब नानी अम्मा के घर तो नहीं पहुंचे गाड़ी हमने इधर साथ वाले घर खड़ी की है रोड पे नानी अम्मा घर यहाँ से दूर है मैं आपको दिखाऊं ये सारे जा रहे हैं बहुत दूर है अभी तो गाड़ी हमने दूर खड़ी कर दी है इसलिए क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारा गाड़ी लेकर नहीं जा सकते रास्ता सारा उन्होंने ख़राब किया और आगे से पानी लगा दिया तो ये ज़मीन में से जा रहे हैं चल कर और जाकर अपनी बहन को ईद मिलते हैं और उसकी ईदी देते हैं बाबा भी साथ जा रहा है बाबा इधर आओ ना इधर आओ मेरा बेटा हेलो ये बताओ किसके घर जा रहे हो हेलो खानों के घर जा रहे हो हाँ। और किसके घर अम्मी जा रही है हाँ। अब रुक गए हो मैं और बाबा बैठ गया ना तो बाबा कह रहे हैं कि अम्मी जा रही है दूर दूर और मैं खड़ा हूँ एक पारी दो मुझे बाबा थक गए हो चल चल के हैं सही सी बताओ झूठ ना बोलो ये बाटा जूता है ना ये किसी और का टूटा हुआ जूता है ये आपने जो पहना हुआ ना ये वाला बाटा जूता है ठीक है अम्मी जा रही है अच्छा हम चले अम्मी के पीछे हैं मैं आपको उठाऊँ या आप ऐसे भागोगे मैं उठाऊँ नहीं नहीं गर्मी मैं नहीं उठाता आप ऐसे चलो ठीक है ये ना कहीं गिर जाए चलो हाँ चलो 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 चलते हैं ना हम मेरा हाथ पकड़ो अच्छा शाबाश मेरा बेटा आराम से मेरा शहजादा मेरी ज़िंदगी जी जी आराम से चलो 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 ये देखें जी ये रास्ता जहाँ से हम चल के जा रहे हैं जाओ बाबा जाओ चलो 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 इधर नीचे ना जाओ ओए होए पाँव ख़राब हो जाएंगे खड़े हो जाओ इधर इसके ऊपर आ जाओ इधर आ जाओ बाबा इधर आ जाओ मेरा हाथ पकड़ो ना इधर आ जाओ रुक जाओ मैं आपको उठाऊँ फाइनली मैंने बाबा को उठा लिया है बाबा नहीं चल सकता था ये गिर जाता बार बार मिट्टी में इसके शूज़ भी ख़राब हो जाते मिट्टी वाले और कपड़े भी इसने गंदे कर लेने थे ओए होए बाबा मैं थक गया हूँ यार आपको उठा उठा कर तो, नहीं थका तो, चलो मुझे आप पारी करते हो फिर मैं नहीं थकूँगा ठीक है आ, चलो पारी करते हो शाबाश शाबाश हैं हाँ वो घर आ गया है किधर है ये वो सारे जा रहे हैं मेरे घर वाले वो सामने वाला हानो का घर है तो हम हानो के घर आ गए हैं ना बाबा हाँ, सूरज भी सर के ऊपर है ना दे, और ग्लासेस मैं गाड़ी में भूल आया हूँ फिर मुनासिब नहीं समझा कि उनके घर जाकर मैं कहूँगे जी मुझे अपने ग्लासेस उठाने गाड़ी ऐसे रोड पर खड़ी नहीं कि उनके घर खड़ी की है अब मैं तो थक गया हूँ आपको उतारूँ ना अम्मी और के साथ ले जाऊँ चलो बाबा चलते हैं फिर मसला से वैसे विलेज का माहौल बहुत प्यारा है ज़बरदस्त अमेजिंग
ये देखें ये जो बड़े सुबह देख रहे वहां से चलता आया हूँ सारा पैदल चल चल के थक गया हूँ बाबा को उठा अस्सलामुअलैकुम ईद मुबारक अल्लाह सोना ख्याल करे सी अल्लाह ख्याल करे सी भैया ठीक ही वे ईद मुबारक होवे नानी अम्मा खैर मुबारक खैर मुबारक नाना बा के था भी माया नाना भाई मैं टुड़दा फिरदा आ गया अपनी थी को ईद मिला इतनी गर्मी है ना गर्मी में चल चल के थक गए देखे पसीना भी आ रहा है माशाल्लाह जी बाबा पहले आया मैडम इससे पहले मैं मामू को मिलने के लिए खड़ गया हूँ और मेरा शहजादा पहले आ गया जी अस्सलाम ईद मुबारक ठीक है भाई ईद मुबारक आपको देखने वालों को भी सबको ईद मुबारक है आप पहले आ गए हो ये किसका घर है आनी का घर है जी और ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह जी सुनाई क्या हो रहा था इस गर्मी में मैं जना बस अंदर बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहा था अच्छा जबरदस्त चलो क्या ठीक है खैरियत से बहुत ज्यादा है रास्ता तो नहीं था कैसे यार बस पैदल है शुगर है एसी है वरना मैं तो कहता हूँ सही बात है इतनी गर्मियों में एसी के बगैर गुजारा मुश्किल ही है ना नॉर्मल पंखे के नीचे भी नहीं गुजरता गर्म हवा लगती है पंखे की चले माशाल्लाह जबरदस्त ठीक है और सुनाए ईद कैसे गुजरी आपकी पहले तो आप मुझे ये बताएं ईद कैसे गुजरी आपकी ईद वैसे तो सही गुजरी हाँ। लेकिन ये रास्ते की थोड़ी टेंशन है उसकी वजह से थोड़ा मूड ऑफ हुआ है हाँ जी यार मैं यकीन करो वहाँ से पैदल चलने लगा हूँ सारे नीचे मट्टी बाबा को भी उठाया हुआ ये सारा देखें गर्मी की वजह से सारा पसीने पसीने हो गया हूँ आप तो आ जाए हम रोज बाइक पे जाते हैं किस तरह जाते हैं इसी रास्ते से ओए माय गॉड यार वैसे यकीन करो आपकी ना हिम्मत है आप इतनी गर्मी में और तंग होकर बाइक पे इस रास्ते से आते जाते हो हम तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता हो गया हम इतना जलील हो रहे हैं ना हमें पता है हाय हाय बस अल्लाह पाक हिदायत दे इन गांव वालों को वैसे इनका हाल कोई नहीं है देखें इससे क्या मिलेगा किसी का रास्ता बंद करके अल्लाह पाक आगे भी तुम्हारे रास्ते ऐसे बंद करेगा जन्नत में जाने के लिए दोजख में धकेलेगा तुम्हें जो लोग दूसरों को तंग करते हैं ना अल्लाह पाक उन्हें तंग करेंगे बस दुआ ही कर सकते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे आमीन आमीन वो कहते हैं ना कर भला हो भला जो दूसरों के साथ भला करते हैं अल्लाह पाक भी उनके साथ भला करते हैं और आप लोग जो बेगैरती कर रहे हो ना तो इसका भी सिला आपको मिलेगा रोज आखरत इंशाल्लाह 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 बाबा किसके घर बैठे हो हैं हानो के घर ये कमरा किसका है ये हानी का कमरा आनी हानो आनी और हानो को खा रही है अच्छा आनी किधर गई है आनी नहा रही है उधर अच्छा आप इधर आओ ना आप उधर ना जाओ जाने तो जाने तो कुछ नहीं करता वो बाहर अम्मी और को मिल रही है छोटी सिस्टर और छोटी ठीक है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह से जी मैंने कहा मैं जा रहा हूँ मुल्तान मुझे थोड़ा काम है दोस्त के साथ तो उन्होंने कहा खाना खा के फिर जाना है खाने का टाइम नहीं था तो फिर मुझे शेक बना दिया कि शेक पी लो शेक पी के फिर चले जाओ मामू जी बोतल को छोड़े शेक पी नहीं मैं बस इसका मजा हो रहा था अच्छा बाबा इधर आओ शेक पीना है शेक पीना है मेरा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ ये लो मेरा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस आपने पीना मामू चलो आप भी पियो मेरा शहजादा बस इस रास्ते से जी फिर चल के जा रहा हूँ वापस अपनी गाड़ी के पास यकीन करें बहुत गंदा रास्ता ये वाला होए होए अच्छा जी इस रास्ते से चल के मैं जा रहा हूँ फिर वापस गाड़ी के पास और यहाँ से फिर जाता हूँ नूर सतलाई राशिद भाई आगे आए खड़े हैं उनको रिसीव करके फिर मुल्तान जाता हूँ उनका कोई काम है
तो उन्होंने बताया नहीं है मुझे कौन सा काम है, बस कहते हैं इमरजेंसी आप आओ। आप कहाँ आ रहे हो? अच्छा अच्छा, ये जी पानी बंद करने के लिए जा रहे हैं और मैं जाता हूँ फिर गाड़ी निकाल के सीधा चलते हैं जी मुल्तान, फिर इंशाल्लाह वापसी आएंगे मम्मी और को यहाँ से लेकर फिर घर जाऊँ। हैं बाबा पेपे मामू को दिया हुआ है? हाँ मैं ले जाऊँ पेपे मामू को देने पेपे बाबा की जेब में डालना है। डालो डालो बस बस बस। वॉलेट किधर गया है? वो भी इसके अंदर है ना? हाँ वो तो नहीं है यार, वो किधर गया है? ये नीचे गिरा पड़ा है बाबा देखो। हाँ? ये नीचे पड़ा हुआ था, ये है मेरे हाथ में, मैंने उठाया हुआ है तो हैं तो हाँ पेपे मेरे जेब में डाले। हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक, ये एटीएम कार्ड है बाबा, इसको ना निकालो गिर जाएंगे ठीक है पेपे। हाँ ये बताओ हानू के घर मजा आया था? हाँ कितना मजा आया था? कितना मजा आया था? हाँ आनी ठीक थी? बिल्कुल। आनी ने पारी की थी मेरे बेटे को? कहाँ पर की थी? हैं इधर हर जगह की थी। अच्छा मेरा सर पाँव के ऊपर भी? अच्छा अच्छा मुझे भी पारी दो एक, मुझे पारी दो ना, नहीं देने हाथ। अच्छा हाथों के ऊपर भी, अब मुझे पारी दो अब। शाबाश जी, मैं भी आया हूँ अपने घर नाने में, घर से होकर हम आ गए हैं और अपनी छोटी बहन को ईदी भी देकर आ गए हैं अपने घर वापस। रात हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर बैठे बैठे पता भी नहीं चला कि सारा दिन कैसे गुजरा। तो इस व्लॉग का फिर यहीं करते हैं एंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय कर दो बाबा, अल्लाह हाफिज़। इनको कहो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मामा हाजी बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाजी बाबा कौन है? हाजी बाबा किधर है? हाजी बाबा ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।